नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मौसम विज्ञान के अनुसार रांची समेत कई जिलों में 14 सितंबर तक भारी बारिश होगी। मौसम में यह परिवर्तन बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने से हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। आप सबको बता दूं कि 12 सितंबर यानी कि आज राज्य के दक्षिणी भाग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, मध्य झारखंड के रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ और उत्तरी पूर्वी झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज में भारी बारिश होगी। वहीं 13 और 14 सितंबर को झारखंड के अन्य हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक 46 मिलीमीटर बारिश बोकारो के चंद्रपुरा में हुई। सबसे अधिक तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस देवघर में और सबसे कम 23 डिग्री सेल्सियस गुमला में रहा। प्रेमी के लिए भाई का मर्डर, बहन ने घर में किया दफन, मोबाइल यूज करने पर पकड़ी गई, प्रेमी संग गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक बहन ने प्रेमी के लिए अपने सगे भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसे घर में दफन भी कर दिया। हत्या के बाद वह भाई की मोबाइल यूज कर रही थी। पुलिस ने बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी दूसरे समुदाय का है। मामला रामगढ़ के पतरातू इलाके के बरतुआ गांव का है। आप सबको बता दूं कि 3 महीने पहले रोहित के पिता नरेश महतो ने राजधानी के चुटिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। रोहित के मोबाइल सिम को ट्रेस करते हुए पुलिस पतरातू स्थित PTPS स्थित क्वार्टर पहुंची। वहां यह पाया कि रोहित का सिम उसकी बहन चंचला द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने जैसे ही पूछताछ की, चंचला ने अपने भाई को मारने की बात स्वीकार कर ली। उसके बाद उसने वह जगह भी दिखाई जहां उसने अपने भाई का शव को दफनाया था। उसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस जगह खुदाई की गई। वहां से रोहित का शव बरामद किया गया। इस बाबत पतरातू के SDPO वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि मृतक की बहन चंचला को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। दफनाने में साथ देने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। रांची की स्कूल में छात्राओं को उठा लेने की धमकी, मुस्लिम युवक हथियार लेकर पहुंचे, बोले दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। FIR। झारखंड की राजधानी रांची के एक स्कूल में मुस्लिम युवकों ने हथियार लहराकर लड़कियों को दोस्ती करने के लिए धमकाया। युवकों ने कहा कि दोस्ती कर लो नहीं तो उठा ले जाएंगे। बताया जाता है कि इसका विरोध करने पर स्कूल के छात्रों से मारपीट भी की गई। पुलिस ने इस मामले में युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। घटना शनिवार को रमानजी के प्रोजेक्ट प्लस 2 स्कूल में हुई। लड़कियों ने इसकी जानकारी परिवार वालों को दी। घटना के बाद शनिवार को स्कूल कैंपस में बैठक हुई। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पदाधिकारी और स्कूल के शिक्षक शामिल हुए। इसमें छात्राओं से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। उसके बाद मामले की पूरी जानकारी रमानजी थाने को दी गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। एक खास समुदाय द्वारा धमकी दिए जाने से जुड़े सवाल के जवाब में पुलिस ने कहा कि टीम जांच करेगी। बताया जा रहा कि 5 नामजद समेत कुछ और युवकों पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने नाम बताने से इधर इनकार किया है। घटना के संबंध में ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया कि SSP को सूचना मिली थी। FIR दर्ज की गई है, जांच शुरू की जा रही है। हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 मेंबर्स की SIT बनाई गई है। इसका नेतृत्व स्थानीय DSP कर रहे हैं। हेमंत पर भारी पड़ रही है राजभवन की चुप्पी, झामुमो कांग्रेस की नींद हराम। झारखंड में एक पखवारे से अधिक समय से राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है। इसकी वजह से राजभवन की चुप्पी को माना जा रहा है। बीते 25 अगस्त को चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता से संबंधित मंतव्य राजभवन को प्रेषित किया है। मामला मुख्यमंत्री द्वारा पत्थर खनन लीज आवंटन कराने का है, जिसके खिलाफ मुख्य विरोधी दल भाजपा ने राजभवन को शिकायत करते हुए उन्हें विधानसभा की सदस्यता से आयोग ठहराने की अपील की थी। इधर जो है, राज्यपाल ने इस पर मंतव्य के लिए चुनाव आयोग को भेजा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने राजभवन को सीलबंद लिफाफे में मंतव्य भेजा। इस पत्र को मजमून अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि आयोग ने मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी है। इस संबंध में राजभवन द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दिए जाने के कारण असमंजस की स्थिति है। यह देश का ऐसा दुर्लभ मामला है जिसमें आरोपित खुद यह कह रहा है कि हमारी सजा सुनाइए। झारखंड में 12 साल बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ।
झारखंड में 12 वर्षों के बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों का प्रोन्नति परिनियम लागू किया जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सह राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने यूजीसी रेगुलेशन 2010 के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसे शीघ्र ही कैबिनेट से स्वीकृति दिलाई जाएगी। इसके बाद अंतिम स्वीकृति राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा दी जाएगी। राज्यपाल रमेश बैस भी विभाग को यूजीसी रेगुलेशन 2010 शीघ्र लागू कराने का कई बार निर्देश दे चुके हैं। झारखंड में शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं, हेमंत सोरेन सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं होने के कारण 2 माह से मानदेय नहीं मिलने को लेकर सहायक अध्यापकों यानी कि पारा शिक्षक में रोष है। सहायक अध्यापकों के विभिन्न संघों ने रविवार को रांची में अलग अलग बैठक की, जिसमें जुलाई और अगस्त माह का मानदेय नहीं मिलने पर नाराजगी प्रकट की गई। कहा गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की लापरवाही के कारण प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया है, इसका खमियाजा सहायक अध्यापक भुगत रहे हैं। संघों की बैठक में मानदेय और अन्य मांगों को कर अलग अलग दिन ध्रुवा स्थित राज्य परियोजना कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का निर्णय लेते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक मोरहाबादी मैदान में हुई, जिसमें तय हुआ कि सहायक अध्यापकों के मानदेय का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर नहीं होने पर 21 सितंबर को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय के समक्ष आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति के बहिष्कार का निर्णय। पारा शिक्षकों के 2 अन्य संघों सामुदायिक सहायक अध्यापक प्रशिक्षित संघ एवं झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक विनोद बिहारी महतो एवं विनोद तिवारी की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई। इसमें भी 2 माह के मानदेय के शीघ्र मानदेय की मांग उठी। इसमें टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति या समायोजन की मांग करते हुए यह निर्णय लिया गया कि जब तक 62,000 पारा शिक्षकों का समायोजन नहीं हो जाता, तब तक सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति का बहिष्कार किया जाएगा। झारखंड में बिहार की तर्ज पर नियमावली लागू करने की भी मांग उठी। बैठक में मांगों को लेकर 19 सितंबर को रांची के धुरवा स्थित राज्य परियोजना कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना का भी निर्णय लिया गया। झारखंड में गलत नियम की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित। जिस हाईस्कूल में 40 छात्र वहां एक ही शिक्षक। राज्य के हाईस्कूलों में शिक्षकों का पद विषय के अनुरूप सृजित किया गया है। विद्यालय में छात्र संख्या के अनुरूप नहीं बल्कि विषय के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति होती है, लेकिन अब विद्यालय में छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। रांची के डीओ कार्यालय द्वारा शिक्षकों के पदस्थापन की तैयारी भी शुरू की गई है। कार्यालय द्वारा 40 छात्र पर एक शिक्षक के पदस्थापन के नियम के आधार पर स्कूलों में शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई है। इस पर आपत्ति मांगी गई है। जिन विद्यालयों में 40 या उससे कम विद्यार्थी नामांकित हैं, उनमें मात्र एक शिक्षक की आवश्यकता बताई गई है। ऐसे में विद्यालय में एक शिक्षक ही गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की कक्षा लेंगे। विद्यालय में अगर संस्कृत के शिक्षक शेष रह गए हों तो वही सभी विषय पढ़ाएंगे। वहीं विद्यालय में अगर 80 विद्यार्थी तक नामांकित है तो उसमें 2 शिक्षकों का पदस्थापन होगा। ऐसे में अगर किसी विद्यालय में न्यूनतम 200 विद्यार्थी हैं तभी उनमें 5 विषय के शिक्षक होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार रांची जिले के 139 हाई स्कूल में से मात्र 70 स्कूल में ही 5 या उससे अधिक शिक्षक के पदस्थापन की आवश्यकता है। हाई स्कूल में छात्र संख्या के अनुरूप नहीं बल्कि विषय के अनुरूप पद सृजित हैं, नियुक्ति भी इसी आधार पर होती है। इसके बाद भी शिक्षकों का पदस्थापन छात्र के संख्या के अनुरूप किया जा रहा है। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन ली जाएगी छात्रों की समस्या, निर्देश जारी। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या और उनकी शिकायतों को जानने के लिए स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम बनाया जाएगा। इसे चांसलर पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों की शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर सभी विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस सिस्टम के आधार पर छात्रों की मिलने वाली शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने कॉलेजों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा कक्षाओं के नियमित संचालन को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र लिखकर कहा है कि कॉलेजों में नियमित कक्षाएं नहीं होने की शिकायतें मिलती रहती है। कोई स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम नहीं होने से सही बातें नहीं बता पाती, साथ ही कई छात्र चाहकर भी शिकायत नहीं कर पाते। उनके अनुसार सिस्टम बनाने से न केवल छात्रों की समस्या दूर होगी बल्कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति भी हो सकेगी।
झारखंड में मौसम की मार, इस बार सबसे कम धान के उत्पादन का अनुमान। झारखंड में इस बार समय पर बारिश नहीं होने का असर खाद्यान्न उत्पादन पर दिखेगा। चालू खरीफ मौसम में मात्र 18.32 लाख टन ही धान उत्पादन का अनुमान है। राज्य गठन के बाद इस वर्ष सबसे कम खाद्यान्न उत्पादन होने की उम्मीद है। यह जानकारी राज्य सरकार के कृषि विभाग ने भारत सरकार को भेजे गए पहले एडवांस एस्टिमेट में दी है। 31 अगस्त तक खरीफ मौसम के दौरान खेतों में लगी फसल के आधार पर रिपोर्ट भेजी जाती है। आप सबको बता दूं कि पहले के अनुमान में खेतों में लगाई गई फसलों को आधार बनाया जाता है। इसमें कहा गया है कि इस वर्ष खरीफ मौसम में 31 अगस्त तक 7.37 लाख हेक्टेयर जमीन में ही धान लग पाया है। प्रति हेक्टेयर 2485 किलो धान उत्पादन की उम्मीद की गई है। झारखंड में धान ही मुख्य फसल है। बीते साल करीब 51 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने चालू खरीफ में कुल 26.01 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद की है। धान के बाद सबसे अधिक मक्के का उत्पादन होगा। करीब 4.35 लाख टन मक्के का उत्पादन हो सकता है। 2 लाख टन अरहर के उत्पादन का अनुमान है। वहीं खरीफ में कुल 3.22 लाख टन दलहन का उत्पादन का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि 2021 में खरीफ के मौसम में करीब 53.69 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था। वहीं 2020 में 57.64 लाख टन तथा 2019 में 41.22 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। वहीं वर्ष 2018 में 33 तथा 2017 में करीब 57 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन खरीफ मौसम में हुआ था। आदिवासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी सहरुद्दीन अंसारी की इलाज के दौरान रिम्स में हुई मौत। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड स्थित नरकोपी थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग छात्रा से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी सहरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। आप सबको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। आप सबको बता दूं कि रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के नरकोपी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर आदिवासी नाबालिग बिटिया से दुष्कर्म के आरोपी सहरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आप सबको बता दें कि आरोपी नाबालिग छात्रा का पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया था। घर में अकेला देख उसने दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भी भेज दिया था। ये घटना 28 अगस्त की है। थाना प्रभारी अविनाश ने आरोपी सहरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू को 30 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।